में। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे मैथ एनसीईआरटी के क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 8.3 को। इसके पहले हमने 8.2 के एक्सरसाइज को देखा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास 8.3 एक्सरसाइज दी गई है। इसके पहले हमको कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके कुछ बेसिक फार्मूला को देखना है, और जब हम फार्मूले को अच्छे से देख लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा और इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके पहले हमको यहाँ पे इसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या उसके फार्मूले हैं उसको हम देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे उसके कुछ फार्मूले। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसे वैल्यू दी है साइन 18 और बटे में कास 72। तो हम इसका चेंज करने का रूल सीखते हैं। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, इसको चेंज करने का रूल, और जो हम चेंज करने का रूल सीखेंगे उसी कॉन्सेप्ट से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कुछ फार्मूले हैं उसको लिखते हैं और लिख के उसको लर्न करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। फिर अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखो जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि जब साइन थीटा आता है तो साइन थीटा को किसमें चेंज करते हैं, 1/cosec θ में करते हैं। किसमें करते हैं, 1/cosec θ में करते हैं। लेकिन जब 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। तो उसी प्रकार कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इसका मतलब हम कुछ इसको ऐसे सिंबल इसका बना सकते हैं कि साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, इस दोनों के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपना अगले में हम देखते हैं यहां पे कि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहां पे हम देखें टैन और काट को, तो यहां पे टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, और टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है। क्या होता है, काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। यहां पे देखिए टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। इसका मतलब अगर इसको हम देखें तो इसमें टैन किस में चेंज हो रहा है, काट में, और काट किस में चेंज हो रहा है, टैन में। तो यहां पे इसको ऐसे बना लेते हैं, टैन थीटा किस में चेंज होगा, काट थीटा में, और काट थीटा किस में चेंज होगा, टैन थीटा में। अब हमारे पास अगर छः जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे उसमें अगर हम आगे देखें तो हमने साइन कॉस टैन और काट के बारे में यहां पे चर्चा कर लिया। अभी हमारे पास कौन से दो बचे हुए हैं, एक हमारा सेक बचा हुआ है और कॉसेक बचा हुआ है। तो अब हम यहां पे देखें अपना अगला फार्मूला, अब हम बात करते हैं सेक की। तो यहां पे सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। और अगर हम सेक 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, ठीक। अब अगर इसकी चेंजिंग की बात करते हैं तो ये कैसे चेंज होते हैं, सेक किस में जाता है, कॉसेक में, सेक थीटा कॉसेक में, और कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में, कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में, ठीक। तो ये हमने इसके इस जो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है 8.3 इसको सॉल्व करने के लिए यही हमारे पास कितने फार्मूले यूज होंगे, 6 फार्मूले यूज होंगे, जिसके माध्यम से ये एक्सरसाइज हमारे पास बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसमें एक दो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और यूज होना है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने का मतलब ये था कि साइन थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा किस में चेंज होता है, सेक किस में होता है, और कॉसेक टैन किस में होता है, और क्वाट किस में होता है।
इसके पहले उसके लिए एक वीडियो पहले से बनाया गया था जो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां पे आप जाके उसको देख सकते हैं और उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए जिसका अभी हमको यूज करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। और अगर यहीं पे cosec थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। अब हमने sin का sin और cosec का देख लिया, अभी हमारे पास tan, cot, sec और cosec बचा हुआ है। तो अब हम किसका देख लेते हैं, tan का देख लेते हैं। यहां पे अगर हम बात करते हैं tan थीटा की, किसकी बात करते हैं, tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। इसके बाद अगले की बात करते हैं तो cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। जैसे यहां पे ये होता है। अब हमारे पास दो और बचते हैं, हमने देखा साइन का, cosec का, tan का, cot का, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, sec और cosec। यहां पे देख लेते हैं, sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। और cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा। क्या होता है, sec थीटा। तो हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें चेंज करने के लिए कुछ फार्मूले यूज होना है जिसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हमने सबसे पहले बताया कि साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमको लर्न कर लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। और अगर cos 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर हमने बताया कि अगर tan 90 माइनस थीटा बराबर पूछे तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पे हम ये भी जाने कि sin थीटा किस में चेंज होता है, cos थीटा में, और cos थीटा किस में चेंज होता है, sin थीटा में। जबकि tan थीटा किस में चेंज होता है, cot थीटा में, और cot थीटा किस में चेंज होता है, tan थीटा में। ठीक, अब हम बात करते हैं sec की। तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। इसका मतलब यहां पे sec थीटा किस में चेंज हो जाएगा, cosec थीटा में। और cosec थीटा किस में चेंज हो जाएगा, sec थीटा में। और अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसको छोड़ के एक आध दो कॉन्सेप्ट और हैं जो हमारे एक्सरसाइज में यूज होना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा। और cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। फिर अगर हम बात करते हैं sec थीटा, तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक, यहां तक हमने इसको सीख लिया। तो अब हम किस पे चर्चा करते हैं, अपने प्रश्नावली पे चर्चा करते हैं जिसका हमें क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। और हम यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, कैसे इसको यूज करके हम क्वेश्चन को एकदम आसानी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि साइन निम्नलिखित का मान निकालिए। हमको क्या कहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, हमको इसको सॉल्व करके क्या निकाल देना है, इसका मान निकालना है। यहाँ पे लिखा है साइन 18/cos 72। क्या लिखा है, साइन 18/cos 72। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके करने का मतलब ये होता है कि हम चाहे साइन 18 को चेंज कर लें और चाहे cos 72 को चेंज कर लें। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड सीख लेते हैं जिससे अगर हमारे पास कभी हमको सॉल्व करना हो तो हम दूसरे मेथड से सीख रहे हैं, और अगर अगला कोई दूसरे मेथड से कर दे तो हम सोचेंगे क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है। लेकिन हम इसको दोनों से सॉल्व करिए रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, साइन 18 लिखा है। क्या लिखा है, साइन 18/cos 72। साइन 18/cos 72। अगर हम बात करते हैं साइन 18 को, किसको, साइन 18 को। तो साइन 18 को अगर हम लिखना चाहें तो हम साइन 18 को एक चीज और लिख सकते हैं। यहां पे हम इसको लिखते हैं साइन 18। साइन 18 को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। क्या लिख सकते हैं,
साइन 90 माइनस 72, इसलिए कि अगर हम 90 से 72 घटाएंगे, 90 से 72 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 18 जाएगा। और हमको इस बात का ध्यान रखना रहता है कि इसको हमको जिसमें ये नीचे लिखा रहता है उसमें चेंज करना रहता है, तो चेंज कर लेंगे तो दोनों बराबर होंगे और कट जाएंगे। तो हमने इसको क्या कर लिया, 72 बना लिया। अब हमारे पास क्या देखना है, यहाँ पे फार्मूला देखना है। हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, साइन 18, और अब देखिए साइन 90 माइनस 72 दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन 90 माइनस 72, अगर हम इसको थीटा मान लें तो साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा गया है, साइन 90 माइनस थीटा, और बराबर होता क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा होता है। तो जहां पे थीटा है वहां पे थीटा ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास 72 था, तो हम इसको क्या लिख दें, कॉस 72, क्या लिख दें, कॉस 72, ठीक। तो अब हमारे पास साइन 18 का मान हमको क्या मिल गया, कॉस 72 मिल गया। अगर साइन 18 का मान कॉस 72 मिल गया तो हम यहाँ पे लिख दें जहां पे साइन 18 है, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे हमको ऐसे दिया गया है साइन 18 बटे कॉस 72। अब साइन 18 का मान रख दो, साइन 18 का मान, साइन 18 का मान क्या दिया गया है, अभी हमने क्या निकाला, कॉस 72, मतलब साइन 18 कॉस 72 के बराबर है, तो कॉस 72 और बटे में कॉस 72, तो कॉस 72 से कॉस 72 कट गया और यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1। तो ये हमारा क्या 1 हो गया, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये हमारा क्या हो गया, एक पहला मेथड, कौन सा मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। अब इसके बाद हम इसका एक मेथड और देख लेते हैं कि अगर कभी हमको दोनों मेथड दिखें तो हम, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम बता सकें कि हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, चाहे हम पहले से कर लें और चाहे दूसरे से। तो अभी तक हमने क्या किया, साइन 18 को चेंज किया, किसको चेंज किए, साइन 18 को चेंज किए। अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉस 72 को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन हमको दिया गया साइन 18 बटे कॉस 72, साइन 18 बटे कॉस 72। अब हम कॉस 72 को चेंज करते हैं भाई, कॉस 72 की बात करते हैं तो कॉस 72 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18। अगर हम 90 से 18 घटाएंगे तो वही आ जाएगा और कॉस लगा ही है, तो कॉस 90 माइनस 18। अब यहां पे आगे इसको बढ़ाते हैं, कॉस 72 और कॉस 90 माइनस थीटा फार्मूला पे आ जाए, तो यहां पे फार्मूला दिख रहा है हमको, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है 18, तो 18 ले लेते हैं। तो यहां पे कॉस 90 माइनस 18 बराबर क्या आ जाएगा, साइन 18, क्या आ जाएगा, साइन 18। तो हमने कॉस 72 का मान निकाला, किसके बराबर है, साइन 18 के बराबर है। अब हम क्वेश्चन अपना लिखते हैं, साइन 18 बटे में कॉस 72, साइन 18 बटे में कॉस 72। अब कॉस 72 यहां पे है और किसके बराबर है, साइन 18 के, तो जहां पे कॉस 72 है वहां पे क्या लिख देते हैं, साइन 18। ठीक है, अब जहां पे कॉस 72 था वहां पे हमने क्या लिख दिया, साइन 18, और साइन 18, साइन 18 कट गया, तो यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो अगर हम देखें तो इस मेथड से भी हमारा आंसर कितना आया, 1 आया, और अगर इस मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड से भी हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। एक बार इसको हम फिर से समझ लें, और इसको समझने से पहले हम अपना फार्मूला एक बार फिर से देखें। फार्मूले में हमने क्या बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहां पे हमने बताया कि साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, ठीक। फिर हमने बताया टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, ठीक। फिर उसके बाद हमने बताया सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक। और उसके लिए हमारे पास कुछ और फार्मूले यूज होना था, जिसको हमने एक बार देख लिया। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/ कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1/ साइन थीटा। फिर इसके बाद टैन थीटा बराबर 1/ कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/ टैन थीटा, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/ कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1/ सेक थीटा। तो ये हमारे कुछ इसके बेसिक फार्मूले थे जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, ठीक। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में हमसे लिखा था कि हमको निम्नलिखित का मान निकालिए, हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका मान निकालना है। अगर इसका हमको मान निकालना है तो क्वेश्चन हमारा दिया गया था साइन 18 बटे कॉस 72, क्या दिया गया था, साइन 18 बटे कॉस 72।
हम क्वेश्चन अपना लिखते हैं और हमने बताया कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास कितना मेथड है, दो मेथड है। कितना मेथड है, दो मेथड, कि हम चाहें तो साइन 18 को चेंज कर लें और चाहें तो किसको चेंज कर लें, कास 72 को। कहने का मतलब यह है कि चाहे ऊपर वाले को चेंज करें और चाहे नीचे वाले का। तो हमने इसके लिए दोनों मेथड बता दिया कि अगर कभी क्वेश्चन आपको दो तरीके से मिले तो ये ना लगे कि हमने तो ये सीखा है और हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है, वो गलत है, हमारा सही है। तो हमारे पास दोनों मेथड पता रहे, तो अगर हम इससे चाहें तो इससे कर लें और इससे चाहें तो इससे कर लें। इसलिए यहां पे आपको दोनों मेथड सिखाया गया। तो साइन 18 बटे में क्या दिया गया, कास 72। अब हम साइन 18 को पहले चेंज कर लिए, तो साइन 18 क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। अरे भाई 18 से 18 यहां पे है और 90 से अगर हम 72 को घटाएंगे तो क्या जाएगा, 18 आएगा। तो वही तो लिखा गया कि जहां पे 18 था वहीं पे क्या लिख दिया गया, 90 माइनस 72। तो साइन 18 बराबर साइन 90 माइनस 72। और सब साइन 90 माइनस थीटा के फार्मूला पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 18 के स्थान पे साइन 90 माइनस 72 और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 72। अब जहां पे साइन 18 था वहां क्या रख सकते हैं, कॉस 72 रख सकते हैं। तो साइन 18 के स्थान पे हमने क्या रख दिया, कॉस 72, और कॉस 72 से कॉस 72 काटे क्या गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। आगे हम बढ़ते हैं, अब हमारे पास क्या दिया गया था, साइन 18 बटे कॉस 72। अभी तक हमने क्या किया, साइन को चेंज किया था, अब हम किसको चेंज करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे। अगर यहां पे देखें तो कॉस 72 और कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18, कॉस 90 माइनस 18। अब 18 यहां पे लिखने का मतलब यह है कि 72 है यहां पे और 90 से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो अब हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा मिल गया, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा होता है। तो जहां पे कॉस 90 माइनस थीटा था वहां पे हमने क्या रख दिया, साइन थीटा, मतलब साइन 18। तो कॉस 72 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 18। तो यहां पे आ गया साइन 18 और बटे में कॉस 72। तो कॉस 72 किसके बराबर है, साइन 18 के। तो साइन 18 बटे में साइन 18, और साइन 18 साइन 18 कट गया, तो यहां पे क्या गया, 1 आ गया, और यहां पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमने सीखा कि क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया रहे तो उसको अगर उसका हमको फार्मूला पता रहे तो हम इसे कितने आसानी से इसको यहां पे हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।